इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के कांग्रेस प्रत्याशी सुरजीत सिंह चड्डा का जनसंपर्क लगातार जारी है। वह इन दिनों विशेष रूप से व्यापारिक बहुल क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। कभी भाजपा के कब्जे में रहा यह इलाका अब कांग्रेस के निशाने पर है। सुरजीत सिंह चड्डा ने रविवार को अवकाश का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए खातीवाला टैंक क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी, बैराठी कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर जनसंपर्क कर मतदाताओं का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं की भी काफी भीड़ रही। रविवार को एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन किया गया, वहीं आयोजन को लेकर भाजपा का विरोधी पक्ष यानी कि कांग्रेस क्या सोच रही है इसे लेकर जब कांग्रेस प्रत्याशी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आज मोदी जी की सभा है, अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी यहाँ सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, वह भी अपनी बात रखेंगे और निश्चित परिवर्तन की लहर है। धीरे धीरे चुनावी सभा, इस वक्त चुनावी माहौल धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है या विरोधों का सामना करना पड़ रहा है यह तो आप देख ही चुके हैं। वर्तमान में हम कांग्रेस प्रत्याशी सुरजीत सिंह चड्डा से बात कर रहे हैं जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के उस गढ़ में खड़े हैं जहां अब तक भाजपा को सर्वाधिक वोट मिले। इस बार उनके पक्ष में क्या माहौल है, किस तरह जनता का रुझान है यह जानेंगे। सुरजीत जी, इस वक्त जहां आप खड़े हैं यहां पर हमेशा ये रहा है कि ज़्यादातर वोट भाजपा की झोली में जाते हैं, इस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह का माहौल है? देखिए, इस बार लोगों के मन में बदलाव का मूड है। लोगों ने, मतदाताओं से मैं मिल रहा हूँ, खुद आगे होकर बोल रहे हैं, बोले भैया इस बार हम चेंज करेंगे। क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ पर व्यापारी रहते हैं, सिख मतदाता और सिंधी समाज के मतदाता है, और दोनों समाज व्यापार से जुड़ा हुआ है और व्यापारी आज कहीं ना कहीं नोटबंदी से लेके GST से लेके और जो अभी महंगाई है और जो टैक्सेशन जो बहुत ज़्यादा हो गया है उससे व्यापारी नाराज़ है। और सिंधी समाज में एक दूसरी लहर भी है, नॉन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ना दे पाना, ये एक बड़ा मुद्दा भी सिंधी समाज में चल रहा है। तो इस बार लोगों ने अपना मूड चेंज कर रखा है और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से इस बार हम जीतेंगे। अच्छा, जीतने के पीछे एक मुख्य कारण और आप जो बता रहे हैं नोटबंदी का और GST का, मगर दूसरे भाजपा ये प्रचारित कर रही है कि हमने जो GST लगी उससे काफ़ी विकास हुए हैं, काफ़ी अच्छा रहा है, तो क्या कहेंगे आप उसके लिए? देखिए, ये तो वो अपना मत देंगे, हम अपने जो मुझे जो मतदाता बोल रहा है, अभी किसी एक व्यापारी ने मुझे बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ कोई 1% टैक्स से इतना नुकसान होने लग गया, हम वोट नहीं करेंगे, तो वो उसकी भावना है। आज मैं खुद व्यापारी हूँ, पिछले 2-2.5 साल से जो नोटबंदी हुई है उसके बाद GST लगा, GST में महंगाई इतनी बढ़ गई, तो कमाई 1 रुपया और टैक्स 1.5 रुपया हो गया, तो कहाँ से पैसा बचेगा? व्यापारी तो आज परेशान है, दुखी है कि भैया उसके आज 10 कर्मचारी थे तो उसने 3 कर दिए, 7 हटा दिए, तो ये तो परेशान होने वाली बात है। आज जैसे भाजपा के जो स्टार प्रचारक है मोदी जी, जहाँ भी जाते हैं सभाएं लेते हैं, वहाँ पे निश्चित तौर पे एक बड़ा वोट बैंक प्रभावित होता है, आज उनकी सभा है, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, वो पार्टी अपने नेताओं को बुलाएगी, हम अपने नेताओं को बुलाएंगे। आज हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं, 21 को सिंधिया जी आ रहे हैं, 22 को मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य आ रहे हैं 20 तारीख को, हमारे यहाँ भी सब आ रहे हैं। तो कुल मिला के स्थानीय प्रत्याशियों के साथ साथ स्टार प्रचारक भी आपस के अंदर बिल्कुल 4 दिन में 4 लोग हमारे विधानसभा। जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है तो अब तक का ये रहा कि जहाँ भी वो सभा लेने गए हैं, चुनावी सभा को संबोधित, वहाँ वोट कम हुए हैं कांग्रेस के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी इंदौर में आ रहे हैं, उनकी बहुत सारी सभाएं हैं, सब दूर सभा करेंगे वो। आज आपका कौन कौन से क्षेत्रों में जनसंपर्क चल रहा है? खातीवाला टैंक और सिंधी कॉलोनी। जनसंपर्क का दौर आगे भी जारी रहेगा, समय समय पर आपको दिखाते रहेंगे किस तरह का माहौल है। बहरहाल जारी रहेगा हमारा ये चुनावी अभियान। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजेश पिपलोदिया, दोपहर न्यूज, इंदौर।